प्रिय साथियों नमस्कार, मैं लायन डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, प्रेसिडेंट लायंस ब्लड बैंक, आपसे बात कर रहा हूँ। आज बात करने का मुख्य कारण यह है कि पिछले 40 दिनों से लगभग हम सब लोग कोरोना की वजह से अपने अपने घरों में लॉक हैं और उसकी वजह से बहुत से रेगुलर कामों में व्यवधान आया है या रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। उनमें से एक हमारा लायंस ब्लड बैंक भी है जो सातों दिन 24 घंटे कार्य करता है, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से हम ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारे ब्लड बैंक में ही नहीं, सभी ब्लड बैंक्स में, हिंदुस्तान के सभी ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी होती जा रही है और ये कमी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और इसकी वजह से हमने ये एक निवेदन किया है सभी लोगों से कि वो फेसबुक पर भी हमने कहा है, दूसरे सोशल मीडिया पर भी कहा है कि हम उनसे पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको भी आने जाने में दिक्कत होती है, उसके लिए वो हमसे संपर्क करते हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं, हम उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं व्हाट्सएप पर, जिसके द्वारा वो ई पास के तरीके से वो हमारे पास आते हैं और हमारी और लोगों की इस समय में, कठिन समय में बहुत मदद कर रहे हैं। और इस प्रकार हम रोज़ाना लगभग 15 से 20 ब्लड डोनेशन ले पा रहे हैं अपने ब्लड बैंक में, जहां की रोज़ाना लगभग पहले 100 डोनेशन हुआ करते थे, जिनकी वजह से लगभग हम 150-200 लोगों की मदद करते थे। ये बात भी सत्य है कि आज के टाइम में ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, क्योंकि जो इतने भी रोड एक्सीडेंट हैं वो बंद हैं इस वजह से, और जो सीरियस ऑपरेशन हुआ करते थे हॉस्पिटल्स में वो भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट में है वो ब्लड डोनेशन से पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, मैंने फेसबुक पर भी कई बार डाला है और दूसरे मीडिया में भी रिक्वेस्ट की है कि सब लोग हम आगे आएँ, जो लोग इसके योग्य हैं, जो लोग 18 से और 60 वर्ष की एज के हैं, जिनकी सेहत अच्छी है, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो वो हमारे ब्लड बैंक शालीमार बाग में आएँ, वहाँ आकर देखें कि हर तरीके की मेडिकल सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और जो जितने भी दिल्ली में या और जगह ब्लड बैंक हैं अपने, वो एकदम हमारा स्टैंड अलोन ब्लड बैंक है, जो क्वालिटी के मामले में किसी भी उच्च स्तरीय ब्लड बैंक में आता है। अभी हमारे फेसबुक पर बहुत सारे लोगों ने जो डोनेट किया है उनके फ़ोटो डल रहे हैं, वो जो जितने भी हमारे, कहूँगा मैं, कोविड वॉरियर हैं या जो इस समय हमारी मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो एक तरीके के सेना वाला काम, डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अभी मैंने देखे हैं उन पर कुछ ऐसे लोगों ने मैसेज डाले हैं कि ब्लड बैंक्स इसका व्यवसाय करते हैं ब्लड का, और उनको दूसरे लोगों को हतोत्साहित कर रहे हैं ब्लड देने के लिए। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि ऐसे भ्रमित मैसेज ना डालें और ऐसे कंफ्यूजिंग चीज़ें ना कहें। जो लोग ब्लड देना चाहते हैं वो मेरे से सीधे संपर्क करें, हमारे ब्लड बैंक में संपर्क करें, और मैं चाहूँगा कि वो आकर देखें इस ब्लड बैंक की व्यवस्था को पूरा। ये हमारे गिनती के जो हैं का ब्लड बैंक, जिनमें बहुत अच्छा तरीके से कार्य होता है, लोगों की मदद करते हैं, जो चार्जेज यहाँ लिए जाते हैं वो प्रोसेसिंग चार्जेज लिए जाते हैं, ब्लड को सेल नहीं किया जाता। जो चार्जेज भी हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड होते हैं, उसमें किसी तरीके का ब्लड बैंक का कोई एडिशन नहीं होता, जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है वही चार्जेज उनसे लिए जाते हैं। चार्जेस किस लिए लिए जाते हैं कि ब्लड कलेक्शन में जो बैग यूज होता है, मेडिसिंस यूज होती हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है, ब्लड को प्रोसेस किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर्स में जो फिक्स टेम्परेचर्स हैं उसमें प्रिजर्व किया जाता है, और जब कोई ब्लड लेने आता है तो उनके क्रॉस मैचिंग वगैरह में जो सब एक्सपेंसेस आते हैं ब्लड बैंक को मेंटेन करने के लिए, उसके स्टाफ के लिए, वो गवर्नमेंट उनको सबको देखकर उसका एक प्रोसेसिंग चार्जेज रखती है। हम कहीं भी ब्लड लेने जाएंगे उसका एक प्रोसेसिंग चार्जेज देना ही पड़ेगा। हमारे ब्लड बैंक की एक विशेषता यह है कि जो ब्लड कोई लेने आता है, जो आदमी ऐसा मजबूर है, पहली बात ये हम देखेंगे कि ब्लड हमें रिक्वायरमेंट किसको होती है। ब्लड रिक्वायर्ड होता है या तो रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, या किसी का सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है,
या थैलेसमिक पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, या जितने डिलीवरी केसेस हैं उनमें ये ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है? पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है जिसका पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है तो उसके यार मित्र और परिवार के लोग उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनमें वो रिक्वायरमेंट उनके परिवार के लोगों से किन्हीं कारणों से फुलफिल नहीं हो पाती है, या इतनी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है कि वो परिवार के लोगों से पूर्ति नहीं होती है। तो जितने भी ये स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन के ब्लड बैंक खुले हुए हैं देश में, वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं, उनको प्रॉपरली लाइसेंस मिलता है और वो इसी काम के लिए होते हैं। कि मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश में वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ यूनिट ऐसे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जो रोड एक्सीडेंट्स में, ऑपरेशंस में, थैलेसमिक में और इसी तरीके कैंसर पेशेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर वर्ष इसमें लगभग 20 लाख यूनिट की कमी रहती है। वो 20 लाख यूनिट आप जैसे लोग जो दानी होते हैं, स्वेच्छा से दान करते हैं, वो पूर्ति करते हैं। ये उनका बहुत बड़ा दान है। मैं ये कहूँगा कि ये एक आदमी का सबसे बड़ा दान है, कि पैसा इसके सामने कुछ नहीं है या कोई और आप सामान दें, लेकिन इसको दान करने से आप एक व्यक्ति जब एक यूनिट ब्लड देता है तो 3 लोगों की जान बचाई जाती है। तो मेरा निवेदन उन लोगों से है जो इस तरीके के भ्रम फैला रहे हैं कि ये ब्लड बैंक इसको बेचते हैं और इस पर मुनाफा कमाते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब चार्जेज हैं, वही लिए जाते हैं उनसे, और किसी और तरीके की फ़ीस नहीं ली जाती। हमारे ब्लड बैंक में भी जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है वही चार्ज लिया जाता है। कई लोग इसके बारे में कई तरीके के भ्रम फैलाते हैं। एक ऐसे ही सज्जन से मैंने बात की जिन्होंने कहा कि मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ। तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि जी आप लास्ट में हमारे ब्लड बैंक में कब आए थे ब्लड डोनेट करने के लिए। पहले उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल भर हो गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, क्योंकि हमारे पास 12 साल का पूरा रिकॉर्ड है। अगर आपने कभी भी ब्लड डोनेट किया होगा तो वो हमारे रिकॉर्ड से बता दिया जाएगा। आपने हमारे यहाँ से किसी पेशेंट के लिए ब्लड लिया है उसकी भी जानकारी पूरी रहती है, गवर्नमेंट के पास भी पूरी जानकारी रहती है, क्योंकि ब्लड कोई ऐसा ऑर्डिनरी सामान नहीं है जिसका मिसयूज किया जा सके या गलत तरीके से दिया जा सके। तो गवर्नमेंट इस पर पूरा कंट्रोल रखती है, हर एक ब्लड बैंक पर पूरा कंट्रोल रखती है और हमारा ब्लड बैंक भी उसी में आता है। तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसे लोग कृपया ऐसे कमेंट गलत ना लिखें। आपको किसी भी तरीके का, किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई अप्रिय आपको वाका हुआ है तो आप सीधा मेरे से संपर्क करें, हमारे ब्लड बैंक में आएँ। मैं सबको निवेदन करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर उसे स्वयं देखें कि वो संस्था कितना अच्छा और किस तरीके से काम कर रही है, कितने लोगों के लिए काम कर रही है। लगभग हम हर साल 25,000 ब्लड यूनिट स्वेच्छक जो लोग आते हैं देने के लिए उनसे कलेक्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है कि 60,000 से 70,000 लोगों को प्रतिवर्ष उससे फ़ायदा मिलता है। तो मैं ये आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके के भ्रामिक बातों में ना आए। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, लोग बाग तो रेगुलर हर 3 महीने में ब्लड देते हैं, कोई 6 महीने देते हैं, कोई साल भर में देते हैं, तो जो ये रिक्वायरमेंट है इसको स्वैच्छिक इच्छा से जो ब्लड देते हैं वही पूरी कर सकते हैं। ईश्वर ना करे हम में से किसी को कभी भी ब्लड की आवश्यकता पड़े। हाँ, जब हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तब हम ब्लड बैंक्स का मुँह देखते हैं कि क्यों कि वो घर के लोग या रिश्तेदार भी उस पूर्ति को नहीं कर पाते। तो ये ब्लड बैंक ही हैं जहाँ बिना बदले के ब्लड प्राप्त होता है। तो मेरा बार बार आपसे अनुरोध है कि किसी भी भ्रामक सूचना में या उसमें नहीं आए ऐसे संदेशों पे, और आप जो जैसा धर्म का काम पहले से कर रहे हैं खुद भी करें, दूसरों को भी प्रोत्साहित करें और ब्लड बैंक में आकर उसको ब्लड को दान दें। आज की तारीख में क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आना जाना आसान नहीं है, तो जिन लोगों को भी ये देना चाहते हैं वो सीधा मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810077199, 9810077199, या ब्लड बैंक जो AK100 शालीमार बाग में है वहाँ आए। वहाँ हर तरीके की सुरक्षा के जो मेडिकल सेफ्टी हैं वो सब रखी गई हैं, और आकर अपना ये सबसे बड़ा दान का कर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद।